बुधदेव 7 जून को करेंगे वृषभ राशि में प्रवेश। इन 5 राशि वालों को रहना होगा सावधान। वैदिक ज्योतिष में बुध को तर्क और संवाद का कारक माना गया है। वाणी के कारक और ग्रहों के राजकुमार बुध 7 जून को वृष राशि में प्रवेश करेंगे। इस राशि में उनका गोचर 24 जून तक होगा और उसके बाद वो मिथुन राशि में गोचर करेंगे। बुध के राशि परिवर्तन से कुछ राशि के जातकों को बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। तो आइए जानते हैं वो राशियां कौन सी है। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी है और अभी आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, जिससे परिवार और आपकी वाणी का विचार किया जाता है। छठे भाव के स्वामी का कुटुंब भाव में गोचर करना आपके लिए थोड़ा अनुकूल नहीं रहेगा। इस समय आपको परिवार में थोड़ी कलह का सामना करना पड़ सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ आपका तनाव हो सकता है या फिर आपको धन की कमी भी महसूस हो सकती है। इस समय आपको अपने वैवाहिक जीवन में भी बेहद सावधानी रखनी होगी और जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का कोई तनाव ना ले। तुला राशि। इस राशि के जातकों के लिए बुध 9वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं और अब ये आपकी राशि के 8वें भाव में गोचर करेंगे। इस भाव से जीवन में होने वाली आकस्मिक दुर्घटनाओं का विचार किया जाता है। बुध का इस भाव में गोचर आपके लिए थोड़ी परेशानी लेकर आता है, क्योंकि इस भाव में विराजमान बुध की सप्तम दृष्टि आपके दूसरे भाव यानी कि धन भाव पर जा रही है। इस समय इस राशि के जातकों को अपने भाग्य का साथ कम मिलेगा और आपको धन से जुड़ी समस्याएं सामने आ सकती हैं। इस समय कार्यस्थल पर आपको बेहद सावधानी के साथ चलना होगा और अपने उच्च अधिकारियों के साथ किसी भी प्रकार के मतभेद को टालना होगा। धनु राशि। इस राशि के जातकों के लिए बुध 7वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं और बुध का गोचर अब आपकी राशि से छठे भाव में होगा। 10वें भाव के स्वामी का छठे भाव में होना आपके कार्यस्थल पर अच्छे परिणाम आपको नहीं देगा। इस समय आपको जीवन साथी के साथ संबंधों में समस्या आ सकती है। आपके करियर के लिए बुध का ये गोचर अच्छा नहीं है। नौकरी में समस्या आपको आ सकती है। हो सकता है आपको अपने ऑफिस में कोई ऐसा लक्ष्य मिल जाए जिसे आप प्राप्त न कर पाए और उसके कारण आपको बदनामी का सामना करना पड़े। आर्थिक स्थिति के लिहाज से इस दौरान ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके खर्चे और बढ़ जाएंगे और बचत कम होगी। कन्या राशि। इस राशि के जातकों के लिए बुध 1ले और 10वें भाव के स्वामी हैं और बुध का गोचर भाग्य भाव यानी कि नवम भाव से होगा। इस भाव में विराजमान बुध की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर होगी। इस समय बुध की कृपा से आपको भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। आपको इस समय लेखन मीडिया के कामों में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप इस समय अपने मित्रों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों के लिए बेहद अच्छा समय है। वृष राशि। इस राशि के जातकों के लिए बुध 2रे और 5वें भाव के स्वामी है और बुध का गोचर आपके लग्न में ही होगा। बुध के गोचर से आपका संवाद बेहतर होगा। इस समय आपको धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप निवेश का इंतजार कर रहे थे तो वो आपको मिल सकता है। इस समय प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता का योग दिखाई दे रहा है। इस समय आप अपनी पत्नी के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। इस समय आपको धन की आवक अच्छी होगी और खर्च भी सीमित होंगे। धर्म कथाएं के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।